हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम राखी बनाएंगे। ये मैंने धागा ले लिया है और इसमें मैं बीट्स पिरो रही हूँ। इसमें मैंने 7 बीट्स डाले हैं। फिर इसके बाद एक मैं बड़ा मोती गोल्डन कलर का इसमें डालूँगी और इसके बाद वापस वही ग्रीन कलर के बीट्स। अब मैं पहले 7 डाले थे और अब मैं 14 डालूँगी। अब वापस से सुई को उस बड़े मोती में घुमा लेंगे। इस तरह से उधर एक गोलाई बन जाएगी और इधर वापस 7 बीट्स डालेंगे। अब इन दोनों को बराबर करके एक नॉट बांध लेंगे। 2-3 बार नॉट बांध के पक्का कर लेंगे। मैंने एक डोरी ले ली है, रेशम की डोरी है। इसको बराबर की 2 डोरियां कट कर ली है। अब दोनों सिरे उस डोरी के, एक डोरी के पकड़ के इस तरह से उसके बीच में डाल के हम निकाल लेंगे तो वहाँ पर एक नॉट सी बन जाएगी। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह करेंगे। स्टोरी में दोनों तरफ हम एक एक मोती डाल देंगे। एक दूसरे कलर का, एक एक पिंक कलर के मोती भी मैंने डाल दिए हैं और दोनों तरफ मोती डालने के बाद नॉट लगा दी है ताकि ये मोती इधर उधर नहीं सरक पाएंगे। और देखिए, ये राखी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बीच में एक चमकीला सा बीट्स लगाएंगे। चारों तरफ इस तरह से हम बीट्स, 4 बीट्स लगा देंगे। जैसे पहले वाली राखी में बनाया था सेम वैसा ही हम अब इस राखी में भी बना लिया है। और एक ये पॉम्पॉम लिया है मैंने ग्रीन कलर का, इसको सुई में से इस तरह से निकाल के और इसके ऊपर एक ये गोल्डन कलर की कैप लगा दी है और हमने ये मोती पिरो दिए हैं। अलग अलग टाइप के 3 तरह के मोती इस तरह से पिरो दिए हैं। फिर इसके बाद हम वाइट मोती 8-10 मोती डाल देंगे। ये हमारी लेडीज़ राखी है तो ये उसकी अभी लटकन हम तैयार कर रहे हैं। और इसके एक तरफ हम ऐसे उसको नॉट से जोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हम सुई में डबल धागा पिरो रखा है, उस धागे को इस तरह से उसमें निकाल के और सुई को इस तरह से निकाल देंगे और वो उन बीट से अटैच हो जाएगा। और उसके अंदर वापस हम एक गोल्डन मोती पिरो के वापस से वाइट 8-10 मोती पिरो देंगे।
और मैंने एक लास्ट में ग्रीन मोती डाल दिया है और उसको गिठान लगा दी है धागे से, इस तरह से पक्का कर दिया है। और ये रेशम की डोरी ली है, इसको हम वाइट और ग्रीन मोती के बीच में ऐसे नोट बांध देंगे, डबल नोट बांध देंगे। लेडीज राखी भी कंप्लीट हो गई है, ये लेडीज जेंट्स राखी का एक सेट बन के तैयार हो गया है। और इसको हाथ में इस तरह से पहनेंगे ब्रेसलेट की तरह और यहाँ पे बांध देंगे। अब मैं मौली की राखी बताऊंगी, आप दो फिंगर में इस तरह से 15 बार मौली को लपेट लीजिए और बीच में से उसको धागे से इस तरह से बांध दीजिए और मौली के दोनों साइड फिर हम कैंची से कट कर लेंगे। कैंची से आप इसको फिनिशिंग देते हुए एकदम राउंड काट लें। ये हमारा राखी का बेस तैयार हो गया। एक मैंने बारीक वायर लिया है, उसकी हेल्प से मैं ये साटन रिबन लिया है बारीक वाला, उससे इसमें बीड्स डाल रही हूँ। इससे बड़े आसानी से अंदर बीड्स चले जाते हैं। मैंने 4 बीड्स डाले हैं, 2 गोल्डन और 2 मैरून कलर के। ये मैंने इरेज़र लिया है, जो बच्चे इरेज़र यूज़ करते हैं वो इरेज़र है कार्टून वाला, इसकी मैं राखी बना रही हूँ ताकि राखी के दिन राखी पहनने के बाद भी बच्चे इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ये मैंने मौली के 2 बेस तैयार कर लिए थे और इनको इस डोरी पे अब मैं चिपकाऊंगी और इसके चारों तरफ मैं चमकीले बीड्स लगाऊंगी। ये राखी भी मैं इरेज़र की बना रही हूँ, दोनों अलग अलग शेप के इरेज़र हैं। इसमें मैं ऑरेंज वाला इरेज़र ले रही हूँ और इसको बीचों बीच इस तरह लगा देंगे और इसके ऊपर एक गोल्डन बीड्स लगा देंगे। ये दूसरी राखी भी मैं इसमें 2 बीट डाल रही हूँ। अब हम एक शार्पनर लेंगे और ये वाली राखी शार्पनर की बनाएंगे।
आप इस तरह से बच्चों की मनपसंद चीज़ों की अलग अलग टाइप की राखी बना सकते हैं। ये मैंने एक डॉल ली है, अब मैं ये राखी डॉल वाली राखी बनाऊंगी। इसके पीछे मैं ये डोरी लगा के, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को इस पे चिपका दूंगी ताकि इस राखी को आप बाद में दोनों तरफ से डोरी कट करके मैग्नेट से इस डॉल को कहीं भी चिपका सकते हैं, अपने फ्रीज पे और कहीं पे भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।